माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में सदन को संबोधित करते हुए दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में नए नए कामों के कीर्तिमान को स्थापित किया, माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण ने यह सदन के माध्यम से पूरे दिल्ली के लोगों के समक्ष एक संदेश देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हर साल जब बजट सत्र होता है, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं, और हर साल की तरह इस बार भी चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे बुनियादी ढांचे का क्षेत्र हो, चाहे महिला सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सार्वजनिक प्रणाली का हो, प्रदूषण का हो, दिल्ली के जुड़े हुए हर मसले पर सरकार निरंतर जिस तरह से उत्तरोत्तर अपने काम के गति को आगे बढ़ा रही है, उसका एक संक्षिप्त लेखा जोखा कल माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बार का अभिभाषण और पिछले एक साल के सरकार के कामकाज का महत्व इसलिए कई गुना बढ़ जाता है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली केंद्र शासित राज्य होने के कारण पहले से ही इसके अधिकार क्षेत्र में केंद्र शासित राज्य का जो कामा था वो पहले से लगा हुआ था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय राजनीति के इतिहास में दिल्ली के विधानसभा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जजों के फैसले को भी पलटते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के संचालन और काम करने के अधिकार का जिस तरह से अंग्रेजों की हड़प नीति के तहत अतिक्रमण किया, पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करके, पहले आर्डिनेंस के माध्यम से फिर कानून बना करके दिल्ली की सरकार को पैरालाइज करने के लिए, ठप करने के लिए कानून का भी सहारा लिया गया। अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ कानून का, बल्कि दिल्ली के अंदर केंद्रीय एजेंसियों ईडी और सीबीआई के द्वारा जिस तरह से आज दिल्ली के हर काम को ठप करने के लिए, सरकार को ठप करने के लिए निराधार गिरफ्तारियां की जा रही, जिस तरह से दिल्ली के अंदर हर उस काम को जिसको सारे चक्रव्यूह के बाद रोका नहीं जा सकता, उसको एक जांच के बहाने सीबीआई को भेजा जा रहा है, हर काम को ठप किया जा रहा है, पूरे अधिकारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जो भी काम करना चाहता है अधिकारी नए नए तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। ऐसे दौर में जब केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार को पूरी तरह से घेर करके चक्रव्यूह में ठप करना चाहती है, ऐसे दौर में अगर दिल्ली के अंदर काम के गति को आगे बढ़ाने का पिछले साल अगर नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, तो ये
अरविंद केजरीवाल और पूरी दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट महोदय के इस अभिभाषण के लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में काम करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर आज कहीं भी जाइए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बात जरूर कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें जितनी जानकारी है, हमारी सरकार तो अब सिंगल इंजन की भी नहीं बची। जो उसका इंजन था उसका एक चक्का इधर छीन के ले गए और एक चक्का उधर छीन के ले गए, आदि भी सरकार नहीं है। लेकिन हमें इस बात का फक्र है कि इस देश के अंदर, देश के किसी भी राज्य में डबल इंजन की जो सरकार नहीं कर सकती, आज आधा इंजन की सरकार भी अपने हिम्मत के दम पर, अपने विश्वास के दम पर, अपने कमिटमेंट के दम पर आज दिल्ली के अंदर नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर 21% शिक्षा का बजट है। कंप्लेंट पर कंप्लेंट, कंप्लेंट पर कंप्लेंट, सीबीआई जांच की एक जांच की दो जांच की तीन जांच, उनको भी नहीं पता कितनी जांच कराएंगे तब भी ठप होगा ये शिक्षा का जो क्रांति का अभियान है। शिक्षा मंत्री जिसको आप सब जानते हैं, मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर बंद किया गया, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो शिक्षा का चक्र भारत के अंदर ठप कर दिया गया था, इस देश के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब कि वो परिवार मजबूर है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर शादी ब्याह के दौरान सामाजिक ताने बाने में लोग एक दूसरे के यहां जाते हैं, पूछते हैं आपका बच्चा कहां पढ़ता है, क्योंकि किसी परिवार में जाओ बच्चे आ जाते हैं, बच्चे से बातचीत, बच्चा क्या करते हो, पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हो, अगर उस परिवार के जुबान से निकल गया, परिवार माँ बाप तो छुपाते हैं, लेकिन अगर बच्चे के जुबान से निकल गया सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, फिर उस परिवार की सारी मर्यादा, सारी आर्थिक क्षमता, सारी व्यवस्था, सारा ताना बाना सब कुछ उसी बात से नाप लिया जाता है कि अगर इस परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसका मतलब यह है कि इस परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि आज देश के किसी भी कोने में सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का मतलब है कि उसकी जिंदगी, उसके भविष्य को बर्बाद करना, यानी बच्चे के भविष्य को भी ठीक करने की क्षमता नहीं है उस परिवार की। अध्यक्ष महोदय, केंद्र के सारे, दिल्ली सरकार को नेस्तनाबूत करने के बुलडोजर का मुकाबला करते हुए दिल्ली की सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दिल्ली के अंदर यह फैसला लिया कि दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो दिल्ली के बच्चों को आगे बढ़ाना है, और हमें इस बात का फक्र है कि आज पूरे देश के अंदर सभी सरकारों के सामने एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि अगर आज पूरे देश में मजबूरी का नाम सरकारी स्कूल है, तो आज दिल्ली के अंदर गर्व और मान सम्मान का मॉडल आज सरकारी स्कूल बन गया है। लोगों को आज सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, दिल्ली के अंदर बताने में फक्र महसूस होता है। और वो ऐसे नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय, इनके सारे तीन कदम के बावजूद हर साल निरंतर दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों के जो परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं, आज वो परिणाम बता रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो रथ निकला था दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में, वो जेल के अंदर उनके जाने के बावजूद भी वो शरीर उनकी जेल के अंदर है, आत्मा आज भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाने में बसती है, और उनकी उस मनोकामना को ये पूरी सरकार आगे बढ़ा रही है और आगे भी बढ़ाती रहेगी। ये आज जो दिल्ली के अंदर हुआ है, शायद आज देश के अंदर कोई भी राज्य करने की स्थिति में नहीं है, चाहे डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन भी चला लो, है सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का, आज आधा हम चौथाई कर दो तब भी ये रथ रुकने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठप करने के लिए नहीं सीबीआई के दौरे गए,
पहले ऊपर से डंडा चलता है, फिर अधिकारियों से रोक दो, ठप कर दो, जब कुछ भी नहीं होता है तो एक कंप्लेंट भेज दो सीबीआई की, यहां फाइल सारी मंगा लो, अधिकारियों से एक कदम आगे बढ़ाया तो जेल जाना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था को ठप करने की तरह ही स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप करने के लिए भी लगातार कोशिशें हुई। दिल्ली के सरकार के मंत्री लगातार कहते रहे कि इन अधिकारियों को हटाओ जो काम नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयों को रोक दिया गया, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है किसी तरह से जो हॉस्पिटल का सिस्टम ठीक हुआ है बंद हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है कि न सिर्फ दिल्ली के अंदर 537 मोहल्ला क्लिनिक आज चल के बावजूद आज दिल्ली देश का पहला राज्य बन चुका है जहां 15 से ज्यादा स्पेशल महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। ये इनकी सारी बाधाओं को पार करके चला। दिल्ली के अंदर आज 5 नए अस्पताल बनने जा रहे। पिछले साल के दौरान अस्पतालों के रीमॉडलिंग का अभियान आगे बढ़ रहा है। इनके सारे 3 तिक्रम के बावजूद 12,000 से अधिक बिस्तर को दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं में जोड़ने का अभियान आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब भी इस बात को सोचना, जैसे एक सामान्य बच्चा जब खेल के मैदान में जाता है और एक शारीरिक रूप से चैलेंज बच्चा खेल के मैदान में जाता है, दोनों के मापने का पैमाना अलग होता है। आज डबल इंजन की सरकार दिल्ली को ठप करने की ताकत लगा रही है और आधी इंजन की सरकार अपने सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ताकत लगा रही है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को, आज ये सच्चाई है अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन आज दिल्ली के अस्पतालों में आज की तारीख में भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई। वहां के लोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार के अस्पतालों में इलाज कराने से बेहतर समझते हैं कि किसी तरह से दिल्ली सरकार में वहां के अस्पतालों में पहुंच जाओ, जिंदगी बच जाएगी। अगर हमारे जेब में पैसा नहीं है इसलिए जिंदगी से हाथ नहीं छोड़ना पड़ेगा। आज दिल्ली के अंदर इस बात की गारंटी है कि आपके जेब में पैसा है या नहीं है। अगर आपका बेटा बीमार है, अगर आपकी माँ बीमार है, तो आपके इलाज करने की गारंटी है और वो दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष महोदय, ये तमाम बाधाओं को पार करके दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है, पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो लगातार चरमरा रही हैं। अभी लगातार खबर आ रही है कि चाइना के अंदर भी अर्थव्यवस्था में ठहराव की स्थिति पैदा हो रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगातार रोजाना नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। भारत की जो अर्थव्यवस्था को लेकर के लगातार ये बात आ रही है अर्थशास्त्रियों के माध्यम से कि कई बार आंकड़ों की जालसाजी करके सरकार अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है कि देश के अंदर रेवड़ी बांटने वाला राज्य दिल्ली, जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, पूरे देश में जाकर के भाषण देते हैं, ये केजरीवाल रेवड़ियां बांटता है, रेवड़ियां बांटता है, रेवड़ियां बांटता है, रेवड़ियां बांटता है। ये रेवड़ी बांटो राज्य ने एक इतिहास बना दिया, जनता को खुले दिल से सब कुछ दिया, लेकिन पूरे देश का जो आज की तारीख में सकल घरेलू उत्पादन है 7% है। अध्यक्ष महोदय, दिल खोल के जनता के लिए काम करने के बावजूद पूरा देश 7% पर अटका है। डबल इंजन की सरकार 7% पर अटकी है और ये खुले दिल से जनता के लिए काम करने वाला केजरीवाल की सरकार 9% से भी ज्यादा आज अपना सकल घरेलू उत्पादन लेकर आई। अध्यक्ष महोदय, छोटी बात नहीं, बात दिल्ली की है, भविष्य के भारत का अर्थशास्त्र छिपा हुआ है। अगर दिल्ली के अंदर सबको सारी सुविधाएं देने के बावजूद अगर दिल्ली की अर्थव्यवस्था मुनाफे में जा सकती है, अगर दिल्ली का सकल घरेलू उत्पादन
राष्ट्रीय पैमाने से 2% ज्यादा हो सकता है। आप सोचो अगर इसी अर्थव्यवस्था के फार्मूले को देश के स्तर पर लागू कर दिया जाए तो न सिर्फ भारत के लोग खुशहाल होंगे बल्कि दुनिया के अंदर केवल नारा लगाने से नहीं, दिल्ली का जो इकोनॉमिक मॉडल है देश के अंदर लागू करने से दुनिया का नंबर वन देश भारत बन सकता है। इसके अंदर ये भी ताकत छिपी हुई है जो प्रयोग आज दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम सब जानते हैं दिल्ली पुलिस का क्या रिकॉर्ड है। दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड क्या है? दिल्ली के अंदर अपराध के ग्राफ में भारत के अंदर दिल्ली लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन दिल्ली की पुलिस एक नोटिस लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री के यहां रात में बैठती है, सुबह फिर पहुंच जाती है, दोपहर फिर पहुंच जाती है, शाम को फिर पहुंच जाती है, लेकिन उसे महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, विपरीत परिस्थितियों में अधिकारों के हनन के बावजूद, अधिकारहीन होने के बावजूद देश का पहला राज्य दिल्ली है जहां पर राज्य सरकार के पास पुलिस नहीं है। ये दिल्ली सरकार के कमिटमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री के इरादों, उनके नीतियों के अस्पष्टता का परिणाम है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज पूरे दुनिया के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसमें आज दिल्ली ने एक रिकॉर्ड बनाया है। 135,000 से ज्यादा आज दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हमें याद है ये वही सीसीटीवी कैमरे हैं जिनके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा था, लेकिन हमें इस बात की खुशी है अध्यक्ष महोदय, दिल्ली ने एक ऐसा मुख्यमंत्री चुना है जिसने एक संकल्प लिया है, न रुकेंगे न झुकेंगे, काम चाहे सदन से हो चाहे सड़क से हो जनता के काम करते रहेंगे। इस कमिटमेंट का परिणाम है कि आज लगातार हमारा सारा विपरीत परिस्थितियों के बाद काम आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर पहले दिन से इस बात का दर्द है केंद्र सरकार को कि दिल्ली के अंदर लोगों को बिजली का बिल जीरो क्यों आता है। अध्यक्ष महोदय, ये छोटी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में सूर्य देवता एक ऐसा अपना आशीर्वाद लेकर आते हैं प्रकाश फैलाने का, जिनके लिए अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, स्त्री पुरुष, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई मायने नहीं रखता। सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर होता है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की एक राजधानी, एक ऐसे सरकार के साथ काम कर रही है। दिल्ली के अंदर आज चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, एक ऐसा राज्य है, एक तो ऊपर वाले सूर्य देवता सबके यहां रोशनी फैलाते हैं, लेकिन दिल्ली में एक केजरीवाल है जो सबके घरों में रोशनी पहुंचाता है। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां पर अगर उजाला होता है तो आज अरविंद केजरीवाल के सरकार के कारण है। पैसा नहीं है इसलिए उसके घर में अंधेरा नहीं है। आज अगर दिल्ली के अंदर पैसा आपके अंदर है या नहीं है इस बात से अंधेरा नहीं तय होता। अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो दिल्ली के हर घर में उजाला था, है और रहेगा। ये छोटी बात अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था में जिस तरह से कई बार मैं सुनता रहता हूं विपक्ष के साथी कहते हैं वो बसों की कमी है, बसों की कमी है। पहली बार ऑन रिकॉर्ड अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर आज की तारीख में 7,100 बसें सड़क पर हैं। दिल्ली में आज तक किसी की भी सरकार रही हो, दिल्ली में कभी भी 7,000 से ज्यादा बसें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में नहीं रही, एक नया रिकॉर्ड बनाया। और उन बसों में से भी 1650
1500 से ज्यादा बसें आज इलेक्ट्रिक बसें हैं। अभी जब सितंबर और अक्टूबर नवंबर के महीने में जब प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, हमने देखा कि आखिर दिल्ली के चारों तरफ जो हॉट स्पॉट हैं, आनंद विहार में इतना प्रदूषण क्यों बढ़ता है। जब मैं उसी तहकीकात में गया तो अध्यक्ष महोदय, हमें पता चला कि पूरे उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से जितनी बसें आती हैं, सारी BS4 की बसें हैं, डीजल की बसें आती हैं। कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं ये जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार के पैसे से आ रही हैं। अरे दिल्ली छोड़ो, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, हरियाणा में तुम्हारी सरकार है, तो केंद्र सरकार में तुम्हारी सरकार है, वहां 500 तो इलेक्ट्रिक बसें ला करके दिखा दो। 1000 से ज्यादा आज इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, ये छोटी बात नहीं है, आज उसका परिणाम है अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम हुआ, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी। 2015 में इस दिल्ली के अंदर 365 दिनों में से केवल 109 दिन थे जिसमें दिल्ली की हवा अच्छी होती थी। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद लगातार इस पर काम होना शुरू हुआ, धीरे 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 करते 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 आज पिछला साल जो गुजरा है, जबकि साइंटिस्टों का कहना है कि पिछला नवंबर से लेकर के जनवरी तक मौसम में जिस तरह का परिवर्तन देखा गया है, ये पहली बार निगेटिव मानदंड स्थापित हुए हैं जिसमें ठंड बढ़ने के साथ साथ हवा की गति एकदम से ठहर गई थी। लेकिन उन सारी विपरीत परिस्थितियों के साथ सदन को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 2015 में जो केवल दिल्ली के लोगों को जिंदगी जीने के लिए सांसें 109 दिन अच्छे थे, पहुंच धीरे धीरे काम करते करते पिछले साल 109 से 206 दिन, लगभग 2 गुना 365 दिनों में से अच्छी हवा दिल्ली के लोगों को मिली है। और अध्यक्ष महोदय, लगातार उस पर सरकार काम कर रही है, हमें भरोसा है कि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जिस तरह से यहाँ पर वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है, हम सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिस तरह से संजीदगी के साथ सबने कोऑपरेट किया। पिछले चुनाव के दौरान अध्यक्ष महोदय, 4 साल पहले जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों को 10 गारंटी दी थी, अब तो आजकल बहुत सारे गारंटी बांटने वाले निकल आए, लेकिन तब केवल हिम्मत थी गारंटी देने की काम की, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल था। अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियां दी थी, उसमें से एक गारंटी थी अगले 5 साल में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का फक्र है, अभी 1 साल बाकी है, लेकिन 2 करोड़ पौधे लगाने का काम 4 साल में इस सरकार ने पूरा कर लिया है, और 1 साल में हम और पौधे लगाने की मुहिम की तरफ बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उसका परिणाम क्या है, आज दिल्ली के अंदर, देश के अंदर जो सबसे बड़े बड़े महानगर हैं, वो सबसे ज्यादा हरित क्षेत्र आज दिल्ली के अंदर विकसित हो चुका है। नेशनल मानक के अनुसार किसी भी राज्य का जितना क्षेत्रफल है उसका 20% ग्रीन होना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर हमने धीरे धीरे करके 20% से ज्यादा, आज 23.6% दिल्ली का ग्रीन क्षेत्र बढ़ाया है। इस ग्रीन क्षेत्र बढ़ाने का परिणाम हुआ है कि प्रदूषण कम हो रहा है पूरे साल में। दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिक बसों का, इलेक्ट्रिक ट्रक, गाड़ियों का बढ़ रहा है, उसका परिणाम हो रहा है कि प्रदूषण कम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में अगर आधे इंजन की सरकार इतना कर सकती है, एक बार सोच के देखो, जिस दिन दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और केंद्र में भी आम आदमी की सरकार होगी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार होगी, अगर आधे इंजन की सरकार इतना कर सकती है, तो अरविंद केजरीवाल के डबल इंजन की सरकार इस मुल्क के तकदीर और तस्वीर को कैसे बदलेगी, इसका अंदाजा कल जो एक लेखा जोखा संक्षिप्त में माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सदन के सामने रखा, उसमें वो छिपा हुआ है। वो कहते हैं बरगद का पेड़ कितना विशाल काय होगा, उसका सारा आकार प्रकार एक छोटे से बीज में छिपा होता है। अध्यक्ष महोदय,
विपरीत परिस्थितियों में नए सृजन और नए संकल्प के साथ नए रिकॉर्ड बनाने का जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, डबल इंजन सरकार के ड्राइवर महोदय सोचते थे कि अरविंद केजरीवाल के साथी सत्येंद्र जैन को जेल में डाल देंगे, इंजन ठप हो जाएगा, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देंगे, इंजन ठप हो जाएगा, संजय सिंह को जेल में डाल देंगे, इंजन ठप हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की धमकी देंगे, इंजन ठप हो जाएगा। इंजन ठप नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय, ये इंजन एक नया प्रयोग करके तप करके कुंदन बन रहा है, आज दिल्ली के अंदर विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है। पूरी दुनिया भी अगर भारत के खिलाफ हो जाए, कल डबल इंजन की सरकार देश में बनती है अरविंद केजरीवाल की, तो दुनिया भी मुखालफत में खड़ी हो जाए, तब भी ये भारत दुनिया का नंबर वन देश बनेगा। उसका ये प्रयोग दिल्ली के अंदर हो रहा है और हमें खुशी है कि हमें उसे सफलता मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह सदन दिनांक 15 फरवरी 2024 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए भाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद अध्यक्ष।